चुका है यहाँ पे, ये देखो। और यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे स्क्रेच कार्ड मिल चुका है, लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस स्क्रेच कार्ड को ओपन करते हैं और ये देख सकते हो मेरा आईडी है यहाँ पे, ये देखो, ये देख सकते हैं कि मेरा जो है यहाँ पे 251 रुपया निकल चुका है। सो गाइस, इस ट्रिक का यूज़ करके आप सबको भी प्रॉफिट जाएगा। तो जैसा कि गाइस आपने देख ही लिया, अभी चलिए हम भी एक बार लाइव ट्राई करके देख लेते हैं कि हमें मिलता है या नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल पे अकाउंट को ओपन कर लेते हैं, और ये देखो ओपन करने के बाद हम यहाँ पे जो भी पासवर्ड वगैरह है इसे डालने के बाद ये ओपन हो चुका है। ऊपर में देख सकते हैं मेरा नाम भी शो कर रहा है। पूरा नीचे स्लाइड कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे दीपावली पे क्लिक कर लेते हैं। आपको सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि मेरे अकाउंट पे यहाँ पे अभी 4 स्टैम्प है, देख सकती हो, और मुझे नहीं मिला हुआ जो उसका नाम है रंगोली, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे रंगोली अभी तक नहीं मिला हुआ है। अभी गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि इसका जो कंडीशन है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अगर DTH पे करते हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो तभी जाके आपको मिलेगा। पहले क्या था कि आप पेटीएम से पे कर देते थे आपको मिल जाता था, या जो है पेटीएम पे ऐड मनी करते थे मिल जाता था, दिया कलेक्ट करते थे दिया का स्कैन करते थे मिल जाता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम इसे पूरा नीचे करेंगे, यहाँ पे न्यू पे टैप करेंगे, और टैप करने के बाद यहाँ पे हम अपने DTH रिचार्ज करेंगे। तो चलिए बिल पेमेंट्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर दोगे ना, तो यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है देख सकते हैं काफ़ी सारा नेम आ जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पोस्ट पेड, DTH। तो यहाँ पे DTH TV पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर भी देख सकते हैं काफ़ी सारे DTH आता है। तो गाइस मैं आपको बस यही कहूँगा कि आप किसी अदर के DTH पर रिचार्ज मत करो, आप अपने ही DTH पर रिचार्ज करो। अगर आपको प्रॉफिट नहीं जाता है, जैसे मान के चलो कि ये जो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ ये ऐसा नहीं है कि 100% वर्क कर ही जाएगा, लेकिन 90% चांस है कि आपका वर्क कर जाएगा, जैसा मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। तो देखो जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे डिश है, अभी जो यहाँ पर हम टाटा स्काई पे क्लिक कर सकते हैं। टाटा स्काई पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं ऐसा पेज ओपन होगा। गेट स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक कोड सबमिट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे चलिए जो भी है यहाँ पे हम कोड दे रहे हैं, लेकिन इसे जो है हम यहाँ पे इरेज करके रखे हुए हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग जो है मेरे DTH रिचार्ज पे रिचार्ज कर जो, और आपको आपको अगर रंगोली नहीं मिलता है तो आप सोचोगे कि भैया मुझे रंगोली नहीं मिला और प्रिंस से भाई जो है पैसा कमा लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने ही DTH पर रिचार्ज करना। अभी नंबर डालने के बाद यहाँ पे नेम डाल देता हूँ, एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं नेक्स्ट का आइकन है उस पर आपको टैप करना है। जैसे आप नेक्स्ट के आइकन पे टैप कर देते हो तो सिंपली यहाँ पे आपका जो है पेमेंट रिसीव करने का ऑप्शन आएगा, और लिंक करना होगा अपने अकाउंट से। यहाँ पर हम लिंक कर देते हैं, और यहाँ पर हम अपने UPI से पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट का ऑप्शन भी आ चुका है नीचे, इस पर टैप करते हैं और देख सकते हैं मेरा ही आईडी है मिस्टर प्रिंट से, देख सकते हैं लोगो वगैरह सब लगा हुआ है। यहाँ पर हम 35 रुपये का DTH पेमेंट कर रहे हैं। देखो इस ट्रिक का यूज जो है आपको पर डे 2 बार ही करना है, ठीक है, पर डे 2 बार ही करना है, 2 से ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपका आज नहीं निकलता है तो 100% चांसेस है कि कल आपका निकल जाएगा। देखो हम यहाँ पे 35 रुपये पेमेंट किए हैं, 35 रुपये पेमेंट करने के बाद यहाँ पे हम वेट करते हैं कि हमें यहाँ पे रंगोली मिला या नहीं। और ये जो ट्रिक है ऐसा नहीं है कि सभी यूज़र को मिल जाएगा, मैंने बता दिया पहले कि 90% चांस है। देखो यहाँ पे आने के बाद ये बता रहा है कि आपको जो है रेटिंग देना पड़ेगा। अभी आपको लीव फीडबैक जो लिखा हुआ नीचे इस पर आपको टैप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे रेट वगैरह कुछ आपको ऐसा देना नहीं है, और इस टाइप से आपके सामने एक पेज ओपन होगा, तो आपको इसे पूरा कट कर देना है। कट करने के बाद पूरा बैक कर लेना है, एंड यहाँ पे रिवार्ड का एक ऑप्शन आएगा, रिवार्ड पे आप टैप करके देख सकते हो कि आपको यहाँ पे मिला या नहीं। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास अभी भी जो है यहाँ पे 4 स्टैम्प है, और मेरे वॉलेट पे 66 रुपये के करीब में शो कर रहा है। अभी हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं। चलिए फिर से हम बिल पेमेंट्स में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये देखो ये बिल पेमेंट्स का ऑप्शन है, इस पर हम टैप कर लेते हैं। टैप करने के बाद कोड वगैरह सब डाल दीजिएगा, जो भी आपका कोडिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट का आइकन है, नेक्स्ट का आइकन आ जाएगा जब भी आप नाम वगैरह डाल दोगे। नेक्स्ट पे टैप कीजिएगा, जैसे आप टैप करते हो फिर से यहाँ पे आपका लिंक अकाउंट बोलेगा, आपको अकाउंट को लिंक करना है, और यहाँ पे फिर से आपको जो है 35 रुपये का DTH जो है यहाँ पे रिचार्ज करना है। देखो ये दो ही ऑप्शन पर आपको रंगोली देगा, या तो DTH रिचार्ज या तो बिल पेमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स। तो यहाँ पे हम DTH का यूज़ कर रहे हैं। देखो 35 रुपये का फिर यहाँ पे हम जो है लिख दिए, और यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये देखो हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग लगता है, क्योंकि यहाँ पे UPI कोड वगैरह देने के बाद प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है। यहाँ पे वेट कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पे पेमेंट हो चुका है, मैसेज आ चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल हमारा पेमेंट हो चुका है। इससे हम बैक कर लेते हैं एक बार पूरा, और बैक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोडिंग ले रहा है, और डायरेक्टली मैं बैक कर दूंगा तो यहाँ पे क्या पता रिवार्ड मुझे ना मिले, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो देख सकते हो यहाँ पे 35 रुपये का मैंने बिल पेमेंट कर दिया, और यहाँ पे ये जो है देखो यहाँ पे जो दिवाली का ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे मैंने टैप किया,
और यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे देखो रंगोली का ऑप्शन आ चुका है। अभी हम पूरा इसे बैक करते हैं, एंड बैक करने के बाद हम आपको दिखा देते हैं कि मुझे रंगोली मिल चुका है। पूरा बैक करते हैं एंड यहाँ पे चले जाते हैं दिवाली पे। एंड दिवाली पे जाने के बाद यहाँ पे देखो मेरा जो ऑप्शन था, जो चार ऑप्शन दिखाई दे रहा था, वो ऑप्शन अभी नहीं दिखेगा। यहाँ पे मेरा रिडीम का ऑप्शन आ जाएगा और मैं एप्लीकेशन को पूरा ओपन करके भी आपको एक बार दिखा दूंगा। यहाँ पे देखो मेरा जो ऑप्शन है, यहाँ पे रिडीम का आ चुका है। और देखो ये मेरा ही वॉलेट है, मुझे यहाँ पे जो है 251 का जो कैशबैक है वो रिसीव हो चुका है। ये जो ट्रिक है बहुत सारे यूजर को प्रॉफिट दिला रहा है, और आप सब में से काफी सारे ऐसे यूजर हैं जो कि डीटीएच रिचार्ज अगर करेंगे, 100% आपका चांसेस तो नहीं बोलूंगा लेकिन 90% चांसेस है कि आपको मिल जाएगा। देखो रिडीम वगैरह सबका यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन वगैरह आ चुका है। अभी आपको यहाँ पे मैं डायरेक्टली एप्लीकेशन को ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ। चलिए, और यहाँ पर हम आपको लाइव आपके सामने स्क्रेच करके भी एक बार दिखा देते हैं। तो चलिए गाइस, हम डायरेक्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और ओपन करने के बाद आपको दिखा देते हैं। देखो ये एप्लीकेशन मेरा ओपन हो चुका है। हम पूरा नीचे चले जाते हैं एंड यहाँ पे दिवाली का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम टैप कर लेते हैं। जैसे हम इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि हमें जो है यहाँ पे टोटल 5 स्टैंप मिल चुका है, और यहाँ पे आपका 90% चांसेस होता है कि आप सबको जो है रंगोली मिल जाएगा, क्योंकि ये डीटीएच रिचार्ज पे ही दे रहा है। डीटीएच रिचार्ज या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, आपको बिल पेमेंट्स करना है तभी जाके आपको मिलेगा। इसे हम बैक कर लेते हैं, डायरेक्ट रिडीम पे ही क्लिक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अभी भी मेरा 66 रुपया शो कर रहा है, और वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करके भी देखिएगा कि हमारा ही वॉलेट है। मैं यहाँ पर आपको लाइव दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर रिडीम पर टैप करते हैं, और यहाँ पर रिडीम पर टैप करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। ये रिडीम करने के बाद यहाँ पर ये लोडिंग हो रहा है, वेट कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको लाइव स्क्रेच करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमें रंगोली मिल चुका है। सो ये लोडिंग कर रहा है, ये देखो ये जो आ चुका है यहाँ पे ओपन हो रहा है। ये देखो यहाँ पे रिवार्ड का ऑप्शन, रिडीम का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे गॉट इट पे क्लिक करना है। ये देखो यहाँ पे हमें मिल चुका है, देख सकती है वहाँ पे फुल्ली रिडीम। ये देखो रिडीम हमारा हो चुका है यहाँ पे, ये देखो। और यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे स्क्रेच कार्ड मिल चुका है, लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इस स्क्रेच कार्ड को ओपन करते हैं और ये देख सकते हो मेरा आईडी है यहाँ पे, ये देखो, ये देख सकते हैं कि मेरा जो है यहाँ पे 251 रुपया निकल चुका है। सो गाइस, इस ट्रिक का यूज़ करके आप सबको भी प्रॉफिट जाएगा। अभी आपने देखा था कि मेरे वॉलेट पे 66 रुपये के करीब में शो कर रहा था, और अभी आप देख सकते हो कि 317 रुपये हो गया। तो सिंपली आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। 100% तो नहीं कहूँगा लेकिन 90% चांस है कि आप सभी लोगों को जो है यहाँ पे मिल जाएगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है, किसी अदर के डीटीएच रिचार्ज मत कीजिएगा, जो भी है आप अपना कलेक्ट कीजिएगा, या तो आपका कोई भी है फ्रेंड साथी या यार वगैरह फैमिली वगैरह उनका कर दीजिएगा, तो आपका जो है निकलने का चांसेस बढ़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा और क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वीडियो के बाद आपको दिखाई देगा कि एक फ्रेंड से भी मैंने करवाया हुआ है और उस बंदे का भी यहाँ पे निकल चुका है। चलिए हम यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। तो गाइज दिखा देता हूँ मैं, ये मेरे एक फ्रेंड ने जो है यहाँ पे भेजा हुआ है, और यहाँ पर वो भी जो है बंदा बिल पेमेंट्स करके ही डीटीएच का जो है यहाँ पे पैसा अपना निकाल लिए। तो देख सकती हूँ यहाँ पे डिश टीवी जो है उनका ब्रांड है, और यहाँ पे वो कोड वगैरह जो भी होता है नंबर वगैरह डालेंगे, उसके बाद नाम वगैरह नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखो यहाँ पे लिंक करने का ऑप्शन आता है, वो बंदा ने लिंक किया। यहाँ पे मुझे वो छोटा सा क्लिप भेजा हुआ है दिखाने के लिए कि हाँ भैया मुझे मिल चुका है, क्योंकि मैं सबसे पहले इसे ट्राई किया दो बंदों के साथ, उसके बाद ही आपको जो है यहाँ पे दे रहा हूँ। अभी देख लो यहाँ पे ये बंदा भी जो है 35 रुपये का यहाँ पे जो है बिल पेमेंट्स कर रहा है, और इस बंदे को भी अभी देखना रिसीव हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये ब्लैंक है, इसीलिए क्योंकि ये जो बंदा है वो कोड अपना दे रहा है। कोड किसी को दिखाना सही बात नहीं है, इसलिए क्या है कि भैया ये कोड को अपना जो है छुपा करके दिखा रहा है। और ये देखो ये जो है पेमेंट कर रहा है प्रोसेस, यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेता हूँ। देख सकते हो कि यहाँ पे इसका पेमेंट हो चुका है, और यहाँ पे रिवार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे रिवार्ड पे ये बंदा ने क्लिक किया और ये बैक कर लेता है। अभी देखो यहाँ पे ये देखो इसका भी रंगोली निकल चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे इस बंदे का, ये देखो रंगोली। और ये जो है अभी बंदा जो है रिडीम पे क्लिक करके अपना जो भी रिडीम है ये से निकाल लेगा। देखो यहाँ पर भी रिडीम शो कर रहा है। तो सिंपली देखो इस बंदे को भी इसी तरीके से मिला हुआ। मैं 100% तो नहीं कहूँगा लेकिन मैं 90% चांस लेता हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे यूज़र हैं जिनका निकल जाएगा, जो कि रंगोली के तलाश कर रहे थे, ठीक है, कि हाँ भैया रंगोली नहीं।